सबसे बड़ी खबर आज सीपीएस मामले को लेकर के है। प्रदेश में जो 6 सीपीएस हैं उनको लेकर के आज हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश आए हैं, वो आपको बताएंगे। डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्या राहत मिली है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली है, क्या बड़ी राहत है वो आपको बताएंगे। बर्फबारी कब से प्रदेश में होगी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सीएम सुक्खू अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली जाने की वजह क्या है वो आपको बताएंगे, और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीपीएस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश आए हैं। अब प्रदेश के जो 6 सीपीएस बनाए हैं सुक्खू सरकार ने, कोई भी सीपीएस एज अ मिनिस्टर अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, ये हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए हैं। आज मंत्री के तौर पर किसी भी कार्यक्रम में जो सीपीएस है 6 सीपीएस वो अब नहीं जा पाएंगे, उन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोई भी मंत्री वाली जो सुविधा है वो इनको नहीं मिलेगी, ये भी जो है वो अंतरिम आदेश में साफ किया गया है। और इसी मामले को लेकर के जो अगली सुनवाई है, क्या ये रहेंगे पद पर कि नहीं रहेंगे, 12 मार्च को इसी मामले पर अगली सुनवाई होगी। यानी सीपीएस को हल्का सा झटका लगा है आज, और झटका ये है कि इनसे जो मंत्रियों वाली सुविधाएं हैं, ठाट बाट है, वो हाईकोर्ट ने छीन लिए हैं और इनको ये आदेश दिए हाईकोर्ट से कि एज अ मिनिस्टर जिस प्रकार से कार्यक्रम में जाते हैं नहीं जा पाएंगे, जो लाभ मिलते हैं वित्तीय लाभ मंत्रियों वाले वो इनको नहीं मिल पाएंगे। अब जो अगली सुनवाई होनी है 12 मार्च को, उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट ये आदेश आगे देगा कि क्या इनको रखना है नहीं रखना है, ये अगली सुनवाई पर जो है वो डिपेंड है। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे आपको, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर के बाद अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली जाने के पीछे का जो मकसद है सीएम का, केंद्रीय मंत्रियों से वहां पर मुलाकात करनी है। हालांकि पीएम से भी टाइम मांगा गया है और जो है वो उनसे मुलाकात होनी है। इसके अलावा जो कल है, कल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से सीएम सुक्खू मिलेंगे दिल्ली में, उनसे एसजेवीएन को लेकर के जो 3 प्रोजेक्ट है उस मामले पर वहां पर वार्तालाप करेंगे। और ये जो मामला है ये उठाया जाएगा जिन पर सरकार नई शर्तें लागू करना चाहती है। पूर्व की भाजपा सरकार ने जो दे दिए थे प्रोजेक्ट्स, उस पर जो है वो अब प्रदेश की सुक्खू सरकार नई शर्तें लागू करना चाहती है। इसी मामले को लेकर के जो है वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे, ये बात वहां पर रखेंगे। पहले दिल्ली में सचिव स्तर की जो वार्ता है वो हो चुकी है, अब मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठाएंगे। और जिनका कहना है कि पूर्व की सरकार ने इन परियोजनाओं में हिमाचल के हितों को बेचा है, ये सीएम सुक्खू ने आरोप लगाए हैं। सीएम वापस कब लौटेंगे, उनका यह कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं आया है, दिल्ली चले गए हैं जो खबर है। 2 दिन तक वहां पर रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और आज उनका नहान जाने का कार्यक्रम था, ये इसलिए जो है वो स्थगित हुआ है आगे के लिए, क्योंकि पिछले कल हड़ताल के चलते जो है वो निर्णय लिया गया था, क्योंकि वहां पर जो 3 लाख से अधिक हाटी समुदाय के लोग हैं उनको उन्होंने संबोधन करना था, क्योंकि राज्य सरकार ने एसटी की जो लिखित आदेश है अधिसूचना है वो जारी कर दी है। तो ऐसे में जो वहां पर हाटी समुदाय के लोग हैं उनके बीच जाकर के वहां से जो है वो ये ऐलान करना था कि हमने केवल 24 घंटे के भीतर ही जो है वो ये जो केंद्र से चिट्ठी आई थी, क्योंकि चिट्ठी का जवाब सरकार कर रही थी कि चिट्ठी का जवाब कब आएगा, उसके तुरंत बाद जो है वो हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें कई जातियां हैं जिनको जो है वो हाटी में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, उड़ीसा और तमिलनाडु आपके जो माननीय विधायक है वो जाने वाले हैं। ये क्यों जाने वाले हैं बताते हैं आपको। विधानसभा की लोक उपक्रम समिति के सदस्य विधायक 15 जनवरी से 22 जनवरी तक उड़ीसा और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं, यह इनका अध्ययन प्रयास होगा, यानी कुछ सीखेंगे वहां पर। इस समिति में जो विधायक हैं राजेंद्र राणा, विपिन सिंह परमार और विक्रम ठाकुर, रवि ठाकुर, सुरेंद्र शौरी और देवेंद्र कुमार भुट्टो, ये जो है वो जाने वाले हैं जो वहां पर उड़ीसा और तमिलनाडु में अध्ययन करेंगे। तो ये एक और अपडेट था। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी संजय कुंडू को बड़ी राहत मिली है और पिछले कल खबर बताई थी हमने आपको कि इनको हटा करके इनको जो है वो निदेशक संजय कुंडू को अन्य पद पर स्थानांतरित करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 26 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, यानी आज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य सरकार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू को 26 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय में जो जाने की छूट है वो दे दी है। और पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी जो है वो शामिल रहे। पीठ ने कहा है कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉल आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से कुंडू के स्थानांतरण के निर्देश पर रोक रहेगी। यानी इनको जो स्थानांतरण दिया गया है सरकार के जो नया पद इनको दिया गया है, यानी जो उनका पद था पहले DGP, वहां से स्थानांतरण नहीं किया जाए, इस प्रकार के आदेश हैं। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से 2 सप्ताह के भीतर रिकॉल आवेदन का निपटारा
चर्चा करने का अनुरोध किया है कि दो सप्ताह के भीतर आप इस मामले का निपटारा कर दें। मंगलवार को शीर्ष अदालत कुंडू की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से उन्हें हटाए जाने की चुनौती दी गई थी। और वर्ष अब देखिए ये तो पूरी खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब भी कोई खबर आती है सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की हम एज यूजुअल जो उसकी भाषा होती है उसमें आपको बताते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। और एज यूजुअल हमने आपको बता दिया है जो इनको स्थानांतरण कर दिया गया है, नए पद इनको दे दिया गया है, जो 26 दिसंबर को जो आदेश दिए गए थे उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब बात करते हैं चार वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को लेकर के, इनको आज अच्छी खबर इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनको पदोन्नति मिल गई है। वर्ष 1994 बैच के आईएएस अधिकारी ओंकार चंद शर्मा प्रदेश के नए अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे। प्रबोध सक्सेना के बाद ये जो पद हैं प्रदेश का जो मुख्य सचिव बनने के बाद में जो है वो जो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे प्रबोध सक्सेना, उसके बाद ये मुख्य सचिव बन गए थे। एसएस का जो पद था वो खाली था। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रही वर्ष 1994 बैच की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भी परफॉर्मा प्रमोशन मिल गई है। यानी अब अनुराधा ठाकुर व ओंकार चंद शर्मा का जो रैंक है वो एसीएस का है। ऐसे में आने वाले समय में जब भी मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी, तो इन्हीं दो अधिकारियों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसी तरह वर्ष 1999 बैच के दो आईएएस अधिकारी डॉक्टर अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव के पद पर पदोन्नति मिली है। आज डॉक्टर अमनदीप गर्ग का पदनाम अभी सचिव कार्मिक की बजाय प्रधान सचिव कार्मिक होगा। वर्ष 1999 बैच के जो दूसरे अधिकारी आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत, इनको परफॉर्मा प्रमोशन मिली है जो इस समय केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। यानी चार जो आईएएस अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इनको पदोन्नति मिली है, प्रमोशन मिली है। दो ऐसे अधिकारी है जो आगामी समय में चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं जब भी किसी का कार्यकाल खत्म होता है या फिर सरकार जो है वो नई जो है फेरबदल करती है। तो ये दो ऐसे आईएएस अधिकारी है जो CS की दौड़ में सबसे आगे हैं। ये अब ACS बन गए हैं। ACS फाइनेंस पहले प्रबोध सक्सेना थे, अब ये चीफ सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद ये पद खाली चल रहा था जहां पर ओंकार चंद शर्मा सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इनकी नियुक्ति आज कर दी गई है। यानी अब ये ACS हैं। इसके अलावा बात करें प्रदेश में पेट्रोल डीजल की जो किल्लत थी, पिछले कल आपको हमने खबर बताई थी, इसके चलते ऊना में स्कूल तक बंद कर दिए थे प्राइवेट स्कूल, और शिमला में ऐलान हो गया था और पूरे प्रदेश में ऐलान हो गया था कि बसें नहीं चलेगी, प्राइवेट बसें। हालांकि जो HRTC की बसें हैं वो तो ये बोल रही थी कि हम 3 दिन चला सकते हैं, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने ड्राइवरों की मांगे मान ली है। यानी जो वो कानून था काला कानून, जिसको काला कानून बोल रहे थे ड्राइवर, उसमें संशोधन करेंगे केंद्र सरकार, ये आश्वासन दिया है उनको। और उन्होंने ये जो है वो कह रहे थे ड्राइवर कि अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं होता है जो किसी को हिट कर दें और उसके बाद भाग जाएं, वहां पर हालात ऐसे बन जाते हैं खुदा ना खास्ता कई बार जो है टक्कर लग जाती है, उसके बाद अगर उतर करके वहां पर वो उन लोगों को कहीं पर ले जाने की कोशिश करें तो वहां पर जो लोग हैं वो उनको मार सकते हैं, उनकी जान पर आ सकती है। इसी का वो विरोध कर रहे थे। केंद्र सरकार ने उनकी मांग को जो है मान लिया है, आश्वासन दिया है कि इसमें संशोधन करेंगे। जो हड़ताल है वो आज खत्म हो गई है कह सकते हैं आप। अब प्रदेश के 700 पेट्रोल पंपों में जो आज सप्लाई हुई है नॉर्मल सप्लाई है, अब कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल डीजल की। यानी धीरे धीरे जो सप्लाई है, जो ड्राइवर नहीं कर रहे थे पहले ड्राइविंग, ट्रक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे थे, बड़े बड़े जो टिप्पर है वो नहीं पहुंच पा रहे थे, आज से वो चलना शुरू हो गए हैं। और बुधवार दोपहर तक, यानी आज दोपहर तक सभी पंपों तक जो है वो तेल पहुंच गया है। अब तेल को लेकर अफरा तफरी नहीं है पंपों के पास, लोगों का जो जाम है वो भी खत्म हो गया है। और इमरजेंसी में फिलहाल जो अभी आदेश है सरकार के, 1,000 लीटर तेल रखने की अनुमति अभी भी दी है। यानी सरकार ने कहा है कि 1,000 लीटर आप रिजर्व रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए उनकी मांगों को नहीं माना गया, हालांकि केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि हम इनकी मांगों को मानेंगे। और अब जो पेट्रोल पंप है ऊना व नालागढ़ सभी जगहों पर, पूरे प्रदेश के जो 12 जिले हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है। अगर है कहीं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, 2017 से जो प्रिंसिपल हैं, जो 2017 से प्रमोट हुए हैं प्रिंसिपल के तौर पर, उनको वित्तीय लाभ मिलेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं और कहा है कि 2017 के बाद प्रमोट हुए प्रिंसिपल को बैक डेट से लाभ मिलेगा। करीब 1500 प्रिंसिपलों को इससे जो है वो राहत की उम्मीद है। और इसके साथ ही, ये तो हो गया बैक डेट से लाभ की बात, क्योंकि इन्होंने जो है मांग की थी कि कुछ लाभ नहीं मिले हैं। इसके साथ ही जिला के वरिष्ठ प्रधानाचार्य भी जो है वो कह सकते हैं अब जो है वो उपनिदेशक बनेंगे, ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल जो है वो आवेदन कर सकते हैं कि हमें उपनिदेशक बनाया जाए, वो अपना दावा कर सकते हैं। तो ये एक और अपडेट थी। तो प्रिंसिपलों को राहत है जी, 2017 के जो बैक डेट वाले लाभ वो मांग रहे थे काफी लंबे समय से, वो अब संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री ने कि हम इस पर जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, पिछले कल भी खबर बताई थी हमने आपको, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, पिछले कल भी इन्होंने जब लंच टाइम था अपने कार्यालय के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया शिमला में।
आज भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि अब एक साल से अधिक समय हो गया है सरकार को, तो हम बिजली भी जो है वो ठप कर देंगे। और इतना ही नहीं है, इन्होंने चेताया है सरकार को, और इनका ये कहना है कि जो अन्य कर्मचारी है उनको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, हमारा क्या गुनाह है कि हमें जो है वो सैलरी समय पर नहीं आ रही है, और जो पेंशनर है उनको पेंशन समय पर नहीं आ रही है, और इससे भी अधिक जितने भी प्रदेश में कर्मचारी है उनको आपने ओपीएस दे दी है। हालांकि हमारा मुद्दा पेचीदा जरूर था ओपीएस को लेकर के, हमने उसको लेकर के भी जो है स्पष्टीकरण दे दिया है। तो अब इनकी मांग है कि ओपीएस हमें मिलनी चाहिए, ओपीएस के अलावा जो सैलरी है वो 1 तारीख को मिलनी चाहिए। आज भी इन्होंने लगातार दूसरे दिन शिमला में अपने कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया है, और प्रोटेस्ट यही था, संघर्ष का इन्होंने रास्ता अपना दिया है। और इन्होंने कहा है कि हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे, हमने सरकार को नहीं छेड़ा, नई नई सरकार बनी थी, लेकिन सरकार अब हमारी बात भी सुने, जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को लाभ दिया गया है ओपीएस का, और जिस प्रकार से सैलरी उनको 1 तारीख को मिल रही है, हमें भी जो सैलरी है वो 1 तारीख को ही दी जाए, ये इनकी मांग है। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। प्रदेश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सैलानी हो या आम लोग हो, किसान हो, बागवान हो, प्रदेश के जो लोग हैं वो बारिश के लिए भी तो तरस ही रहे हैं, बारिश के लिए तरस रहे हैं, और दूसरा बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली जो बागवानी है, अगर बर्फबारी नहीं होती है तो बागवानों की जो फसल है, इस बार भी काफी कम पेटियां, कम 3.5 करोड़ से अधिक जो पेटियां हैं वो कम हुई है पिछले सालों की अपेक्षा इस बार सेब की। तो ऐसे में किसान बागवान बर्फबारी की आस लगाए हुए हैं, लेकिन पीछे जो है वो अलर्ट जरूर था, जो दावा कर रहा था मौसम विज्ञान केंद्र, वो दावे जो है वो सारे फीके नजर आए। अब जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, 9 जनवरी से प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा, यानी ये जो सप्ताह है इसमें मौसम खराब नहीं रहेगा। कुछ एक जगहों पर जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारिश और बर्फबारी होने के संकेत हैं, लेकिन 9 तारीख के बाद प्रदेश में मौसम खराब होगा और उसके बाद बर्फबारी के आसार हैं। तो 9 जनवरी से करवट बदलेगा मौसम, और अधिकांश जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर 9 जनवरी के बाद बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो ये बर्फबारी को लेकर की अपडेट थी। जो महत्वपूर्ण खबरें थी आज हमने आपको बता दी है, पूरे दिन क्या दिनचर्या रही है, सीपीएस मामले को लेकर अपडेट दे दिया है, डीजीपी कुंडू को राहत मिली है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं, कल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे, हिमाचल के हितों की रक्षा करने की बात जो है वो सीएम कह रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने जो है हिमाचल के हितों की रक्षा नहीं की है, जो परियोजनाएं थी वो ऐसे ही दे दी है, उसमें कुछ भी लाभ प्रदेश सरकार को नहीं हो रहा है। तो कल वो बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्री से, जो ऊर्जा मंत्री है। इसके अलावा अगर बात करें आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर के, और इसके अलावा एसएमसी पॉलिसी को लेकर के, वोकेशनल शिक्षक पॉलिसी को लेकर के, और जो कंप्यूटर टीचर पॉलिसी को लेकर के, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल दस्तक की टीम ने काफी बार शिक्षा मंत्री से भी जो है उसको सवाल पूछा है, और सीएम से भी सवाल पूछा है, तो सीएम ने यह कहा है कि मैं जो है वो खुद से चाहता हूं कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाऊं, मैं उनका दर्द समझता हूं, लेकिन जिस प्रकार से आपदा आई है प्रदेश में, अभी जो पीछे आपदा आई थी मॉनसून के दौरान, उसके बाद थोड़ा सा जो बजट है वो कह सकते हैं यहां अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हुई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आगामी समय में जब भी कुछ नया होगा, चाहे वो आउटसोर्स पॉलिसी हो, जो शिक्षकों को लेकर के, पिछले कल भी जो एसएमसी के लोग हैं वो शिक्षा मंत्री से मिले हैं सचिवालय में, और उनसे ये मांग की है कि सर हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, आपने कमेटी भी जो है वो हायर की है, कमेटी बनाई है सीएम के, सीएम ने जो आदेश दिए थे उसमें जो है विक्रमादित्य सिंह भी है और भी है, लेकिन अब इसमें जो अगली बैठक होगी क्या आगे करना है इसको लेकर के आप फाइनल बता दें। तो जो भी खबर हमारे पास है, इसके अलावा जो पंचायत सचिव है, इसके अलावा जो कह सकते हैं आप जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी है वो भी मांग कर रहे हैं कि मैं नया वेतन मान दिया जाए, इसके अलावा मर्जर की बात की जाए, तो अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, इसमें कोई भी नई अपडेट नहीं है, और अब जब नया बजट आएगा उसके बाद ही इस पर कुछ नया हो पाएगा। एनटीटी भर्ती जो अगली कैबिनेट होने वाली है उसमें आने की संभावनाएं हैं, और जो लेक्चरर लगने हैं गेस्ट लेक्चर, उस पर भी जो है वो अगली कैबिनेट में ही फैसला हो पाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर कल जुड़ेंगे आपके साथ नई खबर को लेकर के, नई अपडेट को लेकर के, जुड़े रहे तात्कालीन खबरों को लेकर के हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे जब कल बुलेटिन होगा वो सवाल हम ले सकें।